दोस्तों नमस्कार। बकरियों की हर बीमारी को समझने के लिए उसके इलाज को समझना जरूरी है, और उसके इलाज को समझने के लिए सबसे प्रमुख जो पहली बात आती है वो ये आती है कि जो बकरी में आपको बीमारी दिख रही है, जो लक्षण दिख रहे हैं, उन लक्षणों से आप किसी बीमारी तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए आपको कई स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। उसकी आपको टेम्परेचर लेनी पड़ेगी, हार्ट बीट लेनी पड़ेगी, उसका रेस्पिरेशन नोट करना पड़ेगा, उसकी स्किन और उसकी फिजिकल कंडीशन को देखना पड़ेगा। ये देखने के बाद आप एक निर्णय पे पहुंचेंगे कि बकरी में जो बीमारी हुई है, जो आपने देखा, जो हुई है, आपने मान लीजिए बीमारी की पहचान कर ली लक्षणों से और जितने भी आपने तरीके इस्तेमाल किए उनसे, तो पहचानने के बाद आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये बीमारी है कौन सी, किस कारण से होती है, क्या ये बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, किस कारण से ये बीमारी होती है, ये पहचानना जरूरी है। और ये पहचानने के बाद जो आपके पास सबसे प्रमुख चीज आएगी वो ये आएगी कि आप उस बीमारी का इलाज क्या करेंगे। क्या आपके पास एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। ये सारी की सारी बातें जो है वो हम अपने ऑनलाइन सेशन में करते हैं, जो कि 1 तारीख से शुरू हो रहा है। जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीमारी का बचाव कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, जो इस पैनल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि बीमारी का बचाव कैसे किया जा सकता है, इलाज कैसे किया जा सकता है। कंप्लीट बातें जो एक बकरी पालक को और वेटनरी प्रैक्टिशनर को जाननी जरूरी है, उन सभी बातों के बारे में हम सेशन में चर्चा करते हैं। तो 1 तारीख से नया ऑनलाइन सेशन शुरू हो रहा है, पूरे 1 महीने के लिए आपको ज्वाइन करना है। और 1 महीने में कैसे आप अपनी प्रैक्टिस को बदलते हैं, कैसे आप अपनी गोट फार्मिंग को बदलते हैं, क्योंकि गोट फार्मिंग से 0 से लेकर के 100 तक की जितनी भी जानकारियां हैं वो सब हम अपने इस सेशन में लेके आते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं।